हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण। आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान कोर्स चैनल। फ्रेंड, आज मैं बात करूंगा गूगल क्लासरूम के बारे में। गूगल क्लासरूम एक ऐसा ऐप है जिसके द्वारा आप घर बैठे ही ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। ये गूगल का एक प्रोडक्ट है जो कि आपको फ्री में मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पर। वहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है और इस पर आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से ही टीच कर सकते हैं। और ये गूगल का ऐप है तो इसलिए ट्रस्टेड है, इसमें कोई स्पैमिंग वाली बात नहीं है। और इस पर सबसे बड़ी चीज़ है कि एड्स आपको नहीं दिखेंगे। ये पहला ऐसा टीचिंग ऐप है जिस पर एक भी एड आपको नहीं मिलेगा और फ्री होकर आप इसका यूज कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऐप है और ये इतना अच्छा ऐप है कि इसके द्वारा जो आप ऑनलाइन टीचिंग करेंगे तो टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है वो आपको बाकी दूसरे ऐप से बहुत बेहतर मिलेगा। क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत सिंपल है, आपको जस्ट डाउनलोड करना होता है, उसके बाद अपने जीमेल अकाउंट से इसको इसको खोलना होता है, साइनअप करना होता है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई आपको प्रोफाइल वगैरह उतना नहीं बनाना है, आपको जस्ट अपना जो है क्लासरूम क्रिएट करना है। जैसे मान लीजिए आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं या फिर कोई स्कूल में पढ़ाते हैं या सिर्फ आप फेस टू फेस या होम ट्यूशन देते हैं, तो उसके लिए आप अपना एक क्लासरूम बना सकते हैं और अपने उन स्टूडेंट्स को घर बैठे, जैसे अभी लॉकडाउन है तो आप वहाँ जाके नहीं पढ़ा सकते या स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, तो आप उनको असाइनमेंट दे सकते हैं, उनको असाइनमेंट के लिए डेट फिक्स कर सकते हैं, टाइम शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं, उस टाइम में उनको प्रिपेयर करके वो वहाँ पे देंगे और यहीं से आप उनको चेक कर देंगे। चेक करने के बाद मार्क्स भी दे सकते हैं उनको और उनको असाइनमेंट होमवर्क वगैरह यहीं से दे सकते हैं। ऑनलाइन सारा कुछ कर सकते हैं आप। इसमें कैमरा भी होता है, यानी कि आप वीडियो कॉलिंग के द्वारा वीडियो बना के भी शेयर कर सकते हैं। आप जो बाकी टूल्स होते हैं जैसे व्हाइट बोर्ड पर कुछ अगर लिखना है, लिख के सॉल्व करना है, वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे क्लासरूम बनाना है आपको, उसका नाम देना है, उस पर जो असाइनमेंट होंगे वो डालना है, जो भी आप देना चाहते हैं बच्चों को, कुछ पेपर दे बनाना चाहते हैं, कुछ एग्जाम लेना चाहते हैं, होमवर्क देना चाहते हैं, सब सब कुछ आप यहीं पे घर बैठे ही कर सकते हैं। और वन बाय वन स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रिपेयर करके और वो भी यहाँ पे अपलोड करेंगे और आप चेक भी कर देंगे और यहीं से मार्क्स भी दे देंगे। तो इस तरीके से घर बैठे ही आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस ऐप में, तो ये ऐप मैंने भी डाउनलोड किया है और उसका यूज कर रहा हूँ। तो आप देखें कि इस ऐप में कैसे काम करता है ये गूगल क्लासरूम। आप प्ले स्टोर पर इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाकी ऑनलाइन टीचिंग ऐप जितने भी हैं उनसे सबसे बेस्ट ये ऐप है, क्योंकि ये गूगल का है तो एकदम ट्रस्टेबल ऐप है ये, और इस पर कोई ऐड भी नहीं आएगा आपको। आप इसका फ्री में यूज कर सकते हैं और सिंपल इंटरफेस है। आपको अपना प्रोफाइल बना देना है, एक प्रोफेशनल तरीके से आप यहाँ पे क्लासरूम क्रिएट करते हैं। जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो क्लास में जाते हैं, या आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा तो आपका एक क्लास होगा, वैसे ही यहाँ पे आप एक अपने सब्जेक्ट के लिए क्लासरूम बनाएंगे। वहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, अपना सब्जेक्ट के बारे में क्या पढ़ा रहे हैं, एक डेट फिक्स करेंगे, शेड्यूल फिक्स करेंगे और उस पर असाइनमेंट वगैरह देंगे। सारा काम मोबाइल से ही हो जाएगा, कोई आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। आपके पास मोबाइल है और इंटरनेट कनेक्शन है तो यहीं से आप घर बैठे ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, क्लासरूम बना के क्लास दे सकते हैं बच्चों को। तो चलिए मोबाइल पे आपको दिखाता हूँ ये ऐप कैसे काम करता है, गूगल क्लासरूम। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही ऑनलाइन अर्निंग टिप्स मैं लाता रहता हूँ अपने इस चैनल पे, और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा हमारे इस चैनल को। तो चलिए मिलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वो ऐप है गूगल क्लासरूम और ये बहुत फेमस ऐप है। इसको आप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पे जाइए, गूगल क्लासरूम टाइप करिए, ये वाला आइकन खुल के आएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जब उस आइकन पे आप क्लिक करेंगे अपने मोबाइल में तो ये स्क्रीन खुल के आएगा, ये मेन स्क्रीन है। यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद ये ईमेल अकाउंट्स आएंगे, आपका जो जीमेल अकाउंट होगा उस पे आपको किसी भी एक से आपको लॉगिन कर लेना है, जो भी आपका है ईमेल आईडी उससे आपको लॉगिन कर लेना है, लेकिन गूगल का ही अकाउंट होना चाहिए। वो लॉगिन करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम लग रहा है, ये मैं लॉगिन अभी कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन आपके सामने खुल के आएगा, गूगल क्लासरूम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट ए क्लास टू गेट स्टार्टेड यहाँ लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले एक क्लास बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है, इधर तीन लाइन है, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ देखिए आपका नाम सबसे ऊपर आएगा, फिर यहाँ पे क्लासेस, कैलेंडर, नोटिफिकेशन, आर्काइव क्लास, क्लासरूम फोल्डर, सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ दिया हुआ है
और अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिफ्रेश का ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको क्लास बनाना है यहाँ पे, तो ये प्लस का आइकन है यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन क्लास एंड क्रिएट क्लास, ज्वाइन क्लास से अगर आपने पहले से क्लास क्रिएट किया हुआ है उसके लिए और स्टूडेंट्स के लिए, और आप टीचर हैं तो आपके लिए सबसे पहला क्लास आप बनाने जा रहे हैं तो आपको क्रिएट क्लास पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे करते ही ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, इसको आपको टिक करके कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएगा क्लास नेम। अब क्लास नेम आपको कुछ डालना है, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मैं अपना यहाँ पे डाल देता हूँ क्लास नेम इंग्लिश बाय, मैं अपना नाम डाल देता हूँ इंग्लिश बाय प्रवीण कुमार, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपको अच्छा नाम लगे वो आप नाम डाल देंगे। सेक्शन यहाँ पे डाल देना है जिस भी क्लास को आप पढ़ाना चाहते हैं, तो सपोज दैट मैं यहाँ पे अपना क्लास डाल देता हूँ, सेक्शन में अपना क्लास डाल रहा हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 9th, ठीक है। रूम आपको डालना है, रूम में आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैं इंग्लिश अपने रूम का नाम रख रहा हूँ और यहाँ पे सब्जेक्ट में भी इंग्लिश ही आएगा जो आप पढ़ा रहे हैं, जो भी आप आपका सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे आपको क्रिएट कर देना है। इसको क्रिएट करते ही आपकी क्लास क्रिएट यहाँ पे हो जाएगी, ये क्लास क्रिएट हो रही है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है प्रोसेसिंग होने में। ये गूगल क्लासरूम बहुत बेस्ट ऐप है फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन टीचिंग के लिए इससे बेहतरीन ऐप्स और मुझे कहीं दिखा नहीं है अभी तक। मैं बहुत सारे ऐप्स के द्वारा ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ बट इतना बेस्ट ऐप मुझे और कहीं नहीं दिखा है। देखिए ये क्लास मेरा रेडी हो चुका है, इंग्लिश बाय प्रवीण कुमार 9th, ये मेरा क्लास का नाम है, यानी कि 9th के बच्चों को मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। आपके हिसाब से जो भी आप नाम रखना चाहें, जो सब्जेक्ट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ जैसे आप YouTube चैनल पे अपना कवर आर्ट लगाते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पे कवर आर्ट आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से, और यहाँ पे अपना बैनर आप लगा सकते हैं, अपने प्रोफाइल पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, शेयर विथ योर क्लास, अपने क्लास में यहाँ पे शेयर करना। सबसे पहले मैं बारी बारी से दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या ऑप्शन आपको है। तो यहाँ पे नीचे स्ट्रीम, यहाँ पे क्लास वर्क एंड यहाँ पे है पीपल, तो पहले और ऊपर में सेटिंग्स के सामने यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। ये सेटिंग्स है, तो सेटिंग्स में देखिए ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, अबाउट में ये दे रखा है, जनरल में क्लास कोड दिया हुआ है, और स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट यहाँ पे है, और क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम, तो ये सब है। इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद फिर रिटर्न इस पेज पे आ जाते हैं। यहाँ से आप वो सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर में क्लासेस है, कैलेंडर है, नोटिफिकेशन है। यहाँ पे टीचिंग में मैंने अपना क्लास बना लिया है, आर्काइव्ड क्लास में आपने जो पहले से क्लास बना रखा है वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। क्लासरूम फोल्डर्स, जो जितने क्लास आप बना चुके हैं जिस जिस सब्जेक्ट के उसको फोल्डर्स में यहाँ पे आपको शो होगा, तो फोल्डर आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे फर्स्ट क्लास बना रहे हैं तो स्टार्ट ए कन्वर्सेशन विथ योर क्लास, इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है स्ट्रीम, तो यहाँ पे शेयर विथ योर क्लास दिया है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज खुल के आएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर विथ क्लास, यानी कि अपने क्लास अब स्टूडेंट्स से जो चीज़ें आप कहना चाह रहे हो वो लिखना है। तो हाय स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ योर क्लास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक, ये मैं यहाँ पे डाल दी, ये अनाउंसमेंट है मेरा जो है मैं करना चाह रहा हूँ। ये करने के बाद यहाँ पे कुछ फोल्डर्स आप अटैच कर सकते हैं, अटैच फाइल का ये ऑप्शन है ऊपर में, और अगर नहीं अटैच करना है तो फिर आप यहाँ पे इसको सेंड कर सकते हैं और ये अनाउंसमेंट आ जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी वहाँ पे, जो भी मेरा क्लास में ज्वाइन कर को ये दिखेगा। तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया।
देखिए पहली अनाउंसमेंट मेरे यहाँ पे आ गई है, मैंने इतने टाइम भी आ रहा है और यहाँ पे हाई स्टूडेंट्स योर क्लास ऑफ इंग्लिश लिटरेचर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। जितने भी स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइन करेंगे उनके पास ये नोटिफिकेशन चला गया होगा और उनको मिल जाएगा ये नोटिफिकेशन, ठीक है। यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये जितने भी कुछ आप मान लीजिए अगले हफ्ते क्या आप होमवर्क देने वाले हैं, कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है, कौन सा टेस्ट आप लेने वाले हैं, क्या कुछ भी जो भी चीज़ है वो उसको आपको यहीं पर शेयर करना है अपने क्लास के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे बैक जाना है और अब क्लास वर्क में आना है। ये तो स्ट्रीम में हो गया, अब क्लास वर्क ऑप्शन पे टैब पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा, यू हैवन क्रिएटेड एनी क्लास वर्क। यहाँ पे आप क्लास वर्क बना सकते हैं कि क्या आपको पढ़ाना है, क्या काम आपको देना है, तो प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद बहुत सारी चीज़ें आ रही है, असाइनमेंट आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, मटेरियल आ रहा है, टॉपिक आ रहा है, ये सारी चीज़ें। और रीयूज पोस्ट यानी कि पहले से अगर कुछ आपने दे रखा है दोबारा से आप वही चीज़ रिपीट पढ़ाना चाह रहे हैं तो रीयूज पोस्ट करेंगे तो पहले वाला इसमें आ जाएगा। तो अब जो देना चाह रहे हैं असाइनमेंट पे क्लिक करके आप असाइनमेंट दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये करने के बाद आपको यहाँ असाइनमेंट हो गया, फिर पीपल यहाँ पे देखिए टीचर्स, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर रहेगी और यहाँ पे स्टूडेंट्स, वहाँ पे उनकी स्टूडेंट्स की पिक्चर रहेगी। ऐड स्टूडेंट्स और गिव देम द क्लास कोड, और मेरा क्लास कोड ये है, आपको जितने स्टूडेंट को इसमें ऐड करना है उनको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। प्लस का साइन है, एक आइकन बना हुआ है स्टूडेंट के सामने और प्लस का साइन, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स को ये कोड दे के आप वहाँ पे उनको ज्वाइन करवा सकते हैं। नेम और ईमेल, उनका नेम डाल सकते हैं या ईमेल डाल सकते हैं, और इन्वाइट पर क्लिक करेंगे तो उनको मेल चली जाएगी या इन्वाइट चली जाएगी जो आपके स्टूडेंट्स हैं, और उसके बाद वो आपका क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे बैक में। तो ये है गूगल क्लासरूम, और इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, आपके जो स्टूडेंट घर बैठे ऑनलाइन टीचिंग करके आप पढ़ा सकते हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं इसमें न्यू स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपके जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं।